गरबा नृत्य गुजराती संस्कृति है माँ की आराधना करने की, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी यह नृत्य बड़े उल्लास और उत्साह के साथ किया जाता है। भिलाई में भी स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के तत्वावधान में सार्वजनिक दुर्गोत्सव का आयोजन किया गया। 9 दिन तक चलने वाले गरबा एवं डांडिया कार्यक्रम का रंगारंग समापन शुक्रवार की रात किया गया। इस दौरान स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष एवं विश्व हिंदू परिषद के भिलाई अध्यक्ष राजीव चौबे और एमआई सदस्य संदीप निरंकार विशेष रूप से शामिल रहे। सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव समिति द्वारा स्मृति नगर में पूरी भव्यता से शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया गया। गौरतलब है कि सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा परिसर में भव्य माता की मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई थी। रोजाना यहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही भव्यता से रास गरबे का आयोजन किया गया। भव्य मंडप में रंग बिरंगे परिधानों में यहां पर महिलाएं गरबा करती नजर आई। इसके साथ ही अंतिम दिन विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर एमआईसी मेंबर संदीप निरंकारी यहां पर विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे ने आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी। और बहुत खूबसूरती और सामने में ये हमारे पासिंग द बॉल गेम पासिंग द बॉल में इतने प्यार से ये लोग खेल रहे थे। वो ये सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव समिति स्मृति नगर वर्ष 2006 से यहाँ दुर्गा पूजन और डांडिया का आयोजन कर रही है। और 2006 में मुझे याद है कि भिलाई में उसके पहले नवभारत समूह द्वारा भिलाई क्लब में डांडिया का आयोजन होता था, उसके अलावा सिर्फ गुजराती समाज में होता था। पटरी के इस पार तो ये पहली संस्था थी जिसने डांडिया चालू किया, और आज तो बहुत सारे आयोजन होते हैं यहाँ पर गरबा के, लेकिन स्मृति नगर की तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जो वातावरण है यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है, व्यवसायीकरण नहीं है। विशुद्ध रूप से माता की स्तुति गरबे के माध्यम से होती है। और हमारे यहाँ गरबे प्रांगण में आप देखिए, यहाँ सिर्फ महिलाओं की एंट्री है, पुरुषों की एंट्री यहाँ पर नहीं है। पारिवारिक वातावरण में स्मृति नगर की महिलाएँ स्पर्धा होती है, छोटी मोटी स्पर्धा होती है, लेकिन व्यवसायीकरण नहीं है, ये इस गरबे की विशेषता। माता का अनुष्ठान आप पूरे विधान से करते हैं, इस वर्ष क्या कामना करते हैं माता से? माता से तो जो हमारी सनातन संस्कृति कहती है, सर्वे शांति तो हम तो सब पूरे जगत कल्याण के लिए माता की आराधना करते हैं कि सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब में सफल। किस तरह का पुरस्कार यहाँ पर विजेताओं के लिए है? विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं। हर ग्रुप में 3 ग्रुप हैं डांडिया के, तो जिसमें G1 G2 G3 ये आयु वर्ग के हिसाब से, तो सब में 3-3 इनाम प्रतिदिन दिए जाते हैं। आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन का विशेष पुरस्कार जो है कुछ ट्रॉफी के रूप में है, तो स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी की स्मृति में उनके पुत्र संदीप निरंकारी देते हैं, स्वर्गीय पवन चौबे जी की स्मृति में उनके भाई केशव चौबे देते हैं, हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय आर एन पाल की स्मृति में एक ट्रॉफी दी जाएगी, और हमारे संचालक मंडल के पूर्व सदस्य स्वर्गीय या रामटेके की स्मृति में एक ट्रॉफी दी जाएगी। निश्चित रूप से विजयदशमी की बधाई पूरे देश की जनता, लेकिन प्रतिवर्ष रावण जलाकर जो हम इतिश्री कर लेते हैं, कभी ना कभी तो इसको सुधारना होगा। यदि सच्चाई की जीत की हम कामना करते हैं, तो राम के बताए रास्ते पर चलकर ही हो सकता है। राम की पूजा करके रावण को जला के उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहरहाल पूरी भव्यता के साथ रास गरबे का आयोजन यहां पर किया गया। इसके साथ ही रोजाना यहां पर भव्य भंडारा भी किया जाता था। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।